हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देखने जा रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज। यह है इसका पार्ट फोर, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेस्ड एसेट कंसिस्ट ऑफ। तो स्ट्रेस एसेट में इनमें से कौन सा, मतलब क्या फैक्टर कंसिडर होता है, ऐसा ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है, NPA, that is non-performing asset. After that, second option is restructured asset or loan. ठीक है, जो asset loan है लेकिन restructured है, ऐसा मतलब इसके बारे में हम explanation में देखेंगे। और third option दिया गया है return of asset. ठीक है, तो इनमें से कौन से factor जो है वो stress asset में consist होते हैं। तो इसका answer है that is NPA जो है वो आता है, साथ ही साथ restructured asset जो है ये भी इसमें cover किया जाता है, और साथ ही साथ तीसरा जो है return of asset ये भी stress asset में cover होता है। So इसका answer है 1, 2 and 3 all correct. तो इसका आंसर है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। तो वो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। देखिए, स्ट्रेस एसेट क्या क्या होता है, एनपीए प्लस रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स एंड रिटर्न ऑफ एसेट। तो आप तो जानते हैं एनपीए क्या होता है, एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और ऐसा एसेट जो ओवरड्यू होता है एंड नॉट पेड, दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है, 90 डेज है, पहले ये लगभग कुछ लिमिट 180 डेज थी, लेकिन अभी के लिए लिमिट जो है वो 90 डेज कर दी गई है। बाद में देखते हैं व्हाट इज रिस्ट्रक्चर्ड एसेट। तो ये रिस्ट्रक्चर्ड एसेट क्या है, कंसिडर कीजिए कि हमारा एक पर्टिकुलर बैंक में अभी के लिए कोई लोन है, हम वो उसे पे नहीं कर पा रहे, तो बैंक ने अभी के लिए 10% हमारे लोन है तो उसको 9% कर दिया। ऐसा कुछ अगर बैंक ने हमें एक सहूलियत दे दी तो इसको कहा जाएगा रिस्ट्रक्चर्ड लोन। ठीक है, रिस्ट्रक्चर्ड लोन, देखिए, रिस्ट्रक्चर्ड एसेट और अ लोन आर द एसेट विच गॉट एन एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड। मतलब अगर चाहे तो बैंक पीरियड भी चेंज कर सकता है, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट, कन्वर्टिंग अ पार्ट ऑफ अ लोन इंटू इक्विटी, प्रोवाइडिंग एडिशनल फाइनेंसिंग एंड सम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मेजर्स। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी अगर मेजर्स हम बैंक को रीपेमेंट अच्छे से, मतलब जो हमारा लोन है उसको पेमेंट कर सके, इसलिए अगर बैंक हमें कोई सहूलियत देता है तो उसे कहा जाता है रिस्ट्रक्चर्ड लोन। ठीक है, रिस्ट्रक्चर्ड लोन। और तीसरा जो था हमारा रिटर्न ऑफ एसेट, ये क्या है, तो रिटर्न ऑफ एसेट जो था ना, ये पिछले साल मल्ल्या जी जो है हमारे, इनकी वजह से भी न्यूज में था। तो रिस्ट्रक्चर रिटर्न ऑफ एसेट में क्या होता है कि ये जो एसेट होते हैं ना, आर दोज द बैंक्स और or the lenders doesn't count the money borrowers owes to the it, and the financial statement of the bank will indicate that the return of loans are compensated through some other way. मतलब देखिए कि जो मल्ला जी थे उन्होंने कुछ 9000 कंसीडर कीजिए 1000 करोड़ जो थे वो बैंक से ले लिए, लेकिन अभी वो इस देने की हालत में नहीं थे, तो बैंकों ने क्या किया, उनका जो उनका किंगफिशर विला जो था, वो विला की विला से उन्होंने ये अपने जो पैसे थे वो अभी पा लिए। ठीक है, ऐसे मतलब ये थ्रू अदर वे, ये जो था ना कंपेंसेटेड थ्रू सम अदर वे, तो इसमें आता है ये रिटर्न ऑफ लोन। ठीक है, रिटर्न ऑफ एसेट। आई होप ये जो क्वेश्चन है हमने अच्छे से कवर कर लिया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट दिया गया है इंडियाज इंटरनल ट्रेड इज हायर देन इट्स इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, मतलब हमारा जो इंटरनल ट्रेड है, इंटर स्टेट ट्रेड, वो जो है वो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड से ज्यादा है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है। एंड नेक्स्ट इज इंडियाज एग्रीगेट इंटर स्टेट ट्रेड इज हायर देन दैट ऑफ यूएसए। ठीक है, मतलब हमारा जो इंटर स्टेट जो ट्रेड है वो यूएसए के ट्रेड से ज्यादा है, यूएसए के इंटर स्टेट ट्रेड से, ऐसा ये सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है। और हमें पूछा इनमें से कौन से करेक्ट है, तो देखिए इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये बात सही है कि हमारा जो इंटरनल ट्रेड है वो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड से ज्यादा है, लेकिन ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, दैट इज हमारा इंटर स्टेट ट्रेड, ये यूएसए के इंटर स्टेट ट्रेड से कम है। ठीक है, ये बात जो है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये बात सही है। सो इसका आंसर है ए, दैट इज 1 only. देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडियाज इंटरनल ट्रेड इज अबाउट 1.7 टाइम्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब अगर कंसीडर कीजिए कि हमारा एक जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारा जो इंटरनल जो ट्रेड है वो अगर सॉरी हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अगर 1 लाख रुपए हम कंसिडर करेंगे, तो हमारा इंटरनल जो ट्रेड है, इंटरनल इंटर स्टेट ट्रेड, वो होगा 1.7 लाख। ठीक है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। और हमारा जो इंडिया का इंटर स्टेट ट्रेड जो है वो है हमारा जीडीपी का 54%, वही जो ये नंबर्स है वो यूएसए और चाइना के बारे में बहुत ही ज्यादा है हमसे। और ऐसा क्यों है, तो देखिए आप तो जानते हैं यूएसए पहले से ही इंटर स्टेट अपने इंटरनल ट्रेड के बारे में पहले से ही जाना जाता है, और रिसेंटली जब 2008 के बाद जैसे ही इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया, उसके बाद चाइना भी अभी इंटरनल ट्रेड पे अपने इंटर स्टेट ट्रेड ज्यादा फोकस कर रहा है, तो यूएसए और चाइना की जो हमारी ये नंबर्स है हमारे हमसे ज्यादा है, लेकिन हमारा जो नंबर है वो हमारा इंटरस्टेट नंबर एज टू जीडीपी ये कनाडा और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है इनसे ज्यादा है। ठीक है, ये एक की फैक्ट है, याद रखिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द प्रपोज्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो है, इसके बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है ये हमें पूछा गया है। तो फर्स्ट है, इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग
बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, मतलब ये जो नया बोर्ड बनने वाला है ये इस सिस्टम को, इस बोर्ड ऑफ सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट इज द फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ दैट बोर्ड, मतलब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे ये हमारे पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट दिया गया। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, दैट इज ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो होगा इट विल रिप्लेस बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है ये इसको रिप्लेस करने वाला, ये बात सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, यहां पे आरबीआई गवर्नर होनी चाहिए, आरबीआई गवर्नर जो है ये इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। तो इसका आंसर है ए, दैट इज वन ओनली। जी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो है अरुण जेटली सर, इन्होंने रिसेंट इन्होंने एक ऐसे प्रपोज किया है कि 6 मेंबर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ये बनाया जाए जिसको हेड कर किया जाएगा हमारे जो गवर्नर होंगे इनके द्वारा, एज अ पार्ट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन पेमेंट इकोसिस्टम। ठीक है आप तो जानते हैं हमारी बैंकों की हालत जो है वो अभी खराब होती जा रही है, इस वजह से रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया है। तो इसी के ऐसे ही एक काम करने के लिए ये जो है नया रेगुलेटरी बोर्ड ये बनाया जा रहा है। फॉर द पर्पज नेसेसरी अमेंडमेंट्स आर प्रपोज इन द फाइनेंस बिल 2017, जो हमारा बजट का बिल था, बजट फाइनेंस बिल, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए टू क्रिएट द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। एज पर द फाइनेंस बिल द रिजर्व बैंक विल बी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द पेमेंट सिस्टम, ये जो हमारी पेमेंट सिस्टम है इसके लिए जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी अब से वो होगी आरबीआई, ठीक है। और जो जैसे कि हमने कहा आरबीआई गवर्नर जो है ये इसके चेयरपर्सन होंगे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे 3 जो मेंबर्स होंगे इनको इस बोर्ड पे नॉमिनेट करेगा, ठीक है, मतलब जो हमारा गवर्नमेंट है उसका भी कोई ना कोई नॉमिनी यहाँ पे इस बोर्ड में होंगे, ठीक है ये एक की फैक्ट है, इसमें याद रखिए। हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो था ये पिछले लगभग साल भर से न्यूज में था, लेकिन इस बार दैट इज इसके इकोनॉमिक सर्वे में इस पे एक डेडिकेटेड चैप्टर भी दिया गया है। तो देख लेते हैं ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है। तो ऑप्शन दिया गया द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ एनपीएस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो इसको ट्विन बैलेंस शीट क्या है मतलब इट इज रिलेटेड टू दैट, ऐसा ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज इट इज व्हेन बोथ द बैंकिंग एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर आर अंडर स्ट्रेस, मतलब अगर बैंकिंग और कॉर्पोरेट दोनों सेक्टर जो है वो अगर स्ट्रेस में होंगे तो इनको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जाता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज द कंडीशन व्हेन द करंट अकाउंट डेफिसिट इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड लिमिट, मतलब जो हमारा कैड है वो अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से भी बाहर चला जाए तो इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जाता है, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज व्हेन गवर्नमेंट हैज टू पे मोर ऑफ इट्स इनकम फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द लोन, मतलब हमारा जो लोन है अगर ये इससे भी ज्यादा अमाउंट हमें इनकम से ज्यादा अमाउंट हमें अगर इंटरेस्ट पे करनी पड़े तो इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जाता है, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? तो याद रखिए ट्विन बैलेंस शीट मतलब बैंकिंग के और कॉर्पोरेट सेक्टर अगर इन दोनों की भी कंडीशन बहुत ही स्ट्रेस में होंगी तो इसको ट्विन बैलेंस शीट कहा जाता है, दैट इज इसका आंसर है बी। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए एज दिस डाटा फिल्टर इन टू द पब्लिक consciousness, it becomes clear that India was suffering from a twin balance sheet problem where both the banking and the corporate sector were under stress. ठीक है मतलब हमारे यहाँ पे banking और corporate ये जो दोनों sector है ये under stress है और banking sector में स्ट्रेस में है, मतलब क्या तो एनपीए बहुत ज्यादा है। तो एनपीए जो है ना ये हमारे अभी की हालत ऐसी है कि जो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमीज है अभी की, तो इसमें सिर्फ रशिया का एनपीए हमसे ज्यादा है, बाकी सभी जो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमीज है इनके कंडीशन में इंडिया का जो है वो देखिए 9.1 है इंडिया का, यहाँ पे रशिया है 9.2, देन नेक्स्ट इज यहाँ पे कोरिया है जो हमसे कम है, साउथ अफ्रीका भी हमसे कम है, चाइना और ब्राजील ये सभी देशों का हमसे कम है एनपीए। लेकिन हमारा जो है एनपीए मतलब बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों भी अभी स्ट्रेस में है, तो इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो इसके बारे में जैसे कि हमने कहा जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इसमें एक डेडिकेटेड चैप्टर है, तो हो सकता है इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसके बारे में अगर आपको भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप भी कलेक्ट कीजिए सो दैट ये जो क्वेश्चन है वो आपको भी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन विंड पावर इंस्टॉलेशन एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, जो हमारी विंड पावर इंस्टॉलेशन है इसके हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है अभी के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने क्यों ऐड किया, तो आप लोग तो जानते हैं कि ये जो हमारी सिस्टम जो है ना हमने रिन्यूएबल एनर्जी में एक अच्छा खासा अपने लिए टारगेट सेट किया है, तो हो सकता है इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या दिए, 1st, 4th, 7th या फिर 10th, ठीक है। तो जो हमारा रैंक है इंडियाज रैंक इन विंड पावर इंस्टॉलेशंस ये है 4th रैंक, ठीक है याद रखिए 4th रैंक है हमारा। और हमारे ऊपर कौन है, तो सबसे पहले सबसे बेस्ट जो परफॉर्मर है वो है चाइना,
देन नेक्स्ट इज यूएस एंड लास्ट इज जर्मनी। तो एक बात तो ठीक है कि यूएस और चाइना जो है ना वो हमसे बहुत ही मतलब एरिया वाइज भी बड़े हैं, लेकिन देखिए जर्मनी एक छोटा सा देश है लेकिन फिर भी ये हमसे इस कंडीशन में अच्छी हालत में है, तो हमें भी मतलब बहुत ही गुंजाइश है, हम बहुत ही यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, होप कि ये जल्दी से हो जाएगा। विद द लीगल फ्रेमवर्क इन द प्लेस इंटरनेशनल सोलर अलायंस बाय पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च ड्यूरिंग द यूएन क्लाइमेट समिट इन पेरिस आईएसए विल बी द मेजर इंटरनेशनल बॉडी। ठीक है, ये जो आईएसए है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी इस बारे में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। और आईएसए का हेडक्वार्टर जो है वो आप तो जानते हैं इंडिया में है, आप इसके हेडक्वार्टर कहाँ है जानते होंगे तो कमेंट्स में बताइए। इट सेड दैट करंटली इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन विद अ टारगेट ऑफ 175 गीगावाट्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू बी रीच्ड बाय 2022। ठीक है, तो ये जो एक फैक्ट है ना हमारा 175 गीगावाट्स बाय 2022 रिन्यूएबल एनर्जी से, ये अच्छे से याद रखिए। इसके जो सभी जो डिफरेंट कौन कौन से टाइप इसमें 175 में हमें कवर करने हैं, तो ये भी अच्छे से याद रखिए क्योंकि हो सकता है इस पर भी कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड सेट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, हम ऐसे जो सेट है वो पब्लिश करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग एंड all the best.